केवल के वायनाड में 29 से 30 जुलाई के बाद भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 341 पहुंच गई है। इन सभी शवों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। बता दें कि 146 शवों की पहचान हो चुकी है, वहीं 134 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े बरामद हुए हैं। सेना ने 1 अगस्त को मुंडक्कई, चुरनमाला, अटामाला और नूलपुजा गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी। अब सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूंढने का काम चल रहा है। कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की भी आशंका है। सेना ने ऐसे इलाकों को सैनिटाइज करने के लिए डीप सर्च रडार मंगाया है। ये रडार जमीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगाता है। सेना इस रडार का इस्तेमाल बर्फीले इलाकों, खासकर सियाचिन, ग्लेशियर, पहाड़ी चोटियों और एवलांच के दौरान करती है।